गंगूबाई। और बाप, बाप का नाम क्या लिखें? माँ का नाम काफी नहीं है ना, चलो बाप का नाम देवानंद। हे फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय आर हाँ आर न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग होने आ रहा है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने करा था संडे को लाइव, अगर जिसने नहीं देखा है तो उस लाइव को दोबारा रिपीट में देख लो, और लाइव अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो थर्सडे या संडे को हम लोग करते हैं ना, संडे को पक्का करते हैं। अगर थर्सडे को नहीं हो पाती है तो हमारी मम्मा, क्यूट मम्मा, ठीक है। तो मैं क्या करने जा रही हूँ, आज हम लोग करने वाले हैं गंगू भाई का रिक्रिएटेड मेकअप लुक, ठीक है। तो मैं पहले डिसाइड था कि मैं करूँगी, फिर मम्मा ने कहा नहीं हम दोनों लुक करेंगे, फिर डिसाइड हुआ कि चलो मम्मा ही करती हैं बिकॉज मुझे पढ़ाई भी करनी है, ठीक है। तो मम्मा करेंगी मेकअप अपने फेस में और साथ में मैं भी करूँगी मम्मा का, है ना। तो अभी मैं लेने जा रही हूँ कुछ सामान, मम्मा के पास वाइट साड़ी रखी है, बिंदी मम्मा उससे लगाएंगी सिंदूर से, वो तो जब देखते रहना और तो पता चल जाएगा। हाँ ठीक है, तो अभी मैं लेने जा रही हूँ कुछ सामान, तो चलो अभी वो सामान में कुछ नहीं लेना, मैं जो ये नाक की बात। तो अभी मम्मा जी के लिए लेने जा रहे हैं बाली, तो मम्मा पहनेंगे, मम्मा को लेना है जो नाक में एक बड़ा सा पहनती है ना वो, तो वही लेने जाना है अभी। तो चलो मिलता है कि नहीं मिलता है। हाँ तो चलो मैं अभी देख लेती हूँ, पासी की एक दुकान है उसमें देख लेते पहले। गए थे तो अभी मैं गई थी लेने, तो उसमें पता क्या हुआ, एक मिली है ऐसी वाली, ये देखो ऐसी, और ये पता क्या है, ये है इयररिंग, ठीक है। ये देखो ये जो है अभी आप लोग को दिख रही है ना, ये है नाक की बाली, ठीक है। और मैं भी मम्मा कह रही थी कि ऐसे ही ले लेंगे बिकॉज उनके यहाँ बड़ी और इससे ज़्यादा थी नहीं वैसी, तो ये आई थिंक लग रही है वैसी। और इसके साथ हमारे मैं लेकर आई थी ये कि मम्मा ये ठीक है, और ये पता कोई नाक की बाली नहीं है, ये है कि इयररिंग, हाँ बिकॉज बड़ी चाहिए थी तो ये है एक इयररिंग। तो उन्होंने कहा ये 20 का पेयर है यार 10 का, तो क्योंकि इतनी बड़ी तो लेंगी नहीं मम्मा, तो मम्मा कह रही थी 10 का ये वाला ले लेंगे और ये वाली वापस कर देंगे, ठीक है। तो चलो, तो अभी मम्मा हो चुकी हैं, मतलब फेस मम्मा ने अपना वॉश कर लिया है ना मम्मा। तो अभी मैं मम्मा के की क्लिक करने जा रही हूँ एक पिक, वो भी इस डिज़ाइन पैलेट के साथ, डिज़ाइन पैलेट नहीं मम्मा की ये मेकअप पैलेट के साथ, है ना। अभी मम्मा जा रही है पहनने साड़ी, वो भी कौन सी, ये वाली साड़ी पहनने, है ना मम्मा। तो चलो मम्मा पहने साड़ी, ओके। तारे ने पसंद मैनू हेठा सहारे ला दे, उन्हां तारियां दे विच जदों मैनू वेखेगी मेरी याद जदों आऊगी तां पता लग। तो अभी मम्मा रेडी हो चुकी हैं विद साड़ी, तो मम्मा ने अभी साड़ी पहन ली, मम्मा पीछे घूमो। सेम टू सेम, हाँ। और उसमें हाँ बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, रेड वाला लगाते हैं, तो ऐसा कुछ गलत नहीं है कि हाँ ये गोल्डन है, एकदम सेम वैसी है वो, लेकिन एक ड्रेस थी इसमें रेड था, एक ड्रेस है इसमें गोल्डन है, तो ये गोल्डन वाली है, ठीक है। तो थंबनेल में जो पिक दिख रही है वैसी मम्मा ने रिक्रिएट करी है ना, क्योंकि बहुत सारी पिक्चर्स है बहुत सारी ड्रेसेस की जो लोग रिक्रिएट करते हैं, एंड मेन ड्रेस है यही वाली गोल्डन वाली, तो यही वाली मम्मा ने करी है ना। तो अभी मैं करने जा रही हूँ हेयर स्टाइल, जैसे कितना आलिया भट्ट ने की थी उसने गंगूबाई में, तो वही मैं करने जा रही हूँ, तो चलिए देखते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा इसको पफ बना लेंगे हल्का सा इस तरीके का, और चाहें तो आप इसमें इतना बंद भी लगा सकते हैं जो कि, लेकिन मैंने नहीं लगाया है। तो इस तरीके से मेरे तो बाल कर लिए हैं, तो मैं इस तरीके से कर लूँगी, तो इस तरीके से करेंगे तो पूरा सेम लुक दे रहा है, और फिर इधर भी इसी टाइप का कर लेंगे हम, तो यहाँ पे हम रख लेंगे यहाँ पे इसको हाफ बाल करके कि पफ फिर निकल जाता, हाँ। इसलिए मम्मा उसको लगा रही है पफ वाले, ये देखो इससे पफ बन गया पैरा सा एकदम पीछे। ये पफ पता क्यों है, क्योंकि अगर हम लोग पल्लू लगाएंगे ना तो इसके ऊपर थोड़ा फूला फूला लगेगा ना मम्मा। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ पीछे से बन, जो कि जूड़ा टाइप का लगेगा, और ये देखिए ये तीन स्टाइल मेरी हो गई है, दो इधर से साइड साइड वाला और एक यहाँ पे पफ वाला। तो ये देखिए मैंने जूड़ा लगा लिया है, तो पीछे से दिखाते हैं आपको। तो अब ये देखो इसमें जो पीछे का बन है ना वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। और मम्मा जी ने एक फ्लावर वाला लगाया था, अगर आपके पास हो तो लगाओ। तो अभी मम्मा ये लगाने जा रही है क्रीम, जो कि किसकी है मम्मा, पॉन्ड्स की मॉइस्चराइजिंग, हाँ पॉन्ड्स की है मॉइस्चराइजिंग वाली, कोई भी क्रीम लगा सकते हैं ना, हाँ तो आप लोग कोई भी क्रीम लगा सकते हो। तो अभी मम्मा लगा रही हैं, और ये मम्मा लगा रही हैं मॉइस्चराइजर के लिए, जिससे मम्मा के फेस में थोड़ा ग्लो आए। तो अभी मम्मा यूज़ करने जा रही है प्राइमर, है ना मम्मा। क्या होता है कि जो मेकअप होता है ना वो सेट हो जाता है, और अच्छा वाला ये ऑयल फ्री है, तो आप भी ऑयल फ्री यूज़ करना आप लोग, हाँ समझ आ रही है ना इसलिए, हाँ। तो मम्मा भी लगा रही हैं प्राइमर,
तो अभी मम्मा लगाने जा रही हैं लैक्मे का बीबी क्रीम, और इसमें क्रीम और फाउंडेशन मिक्स है। तो ये फाउंडेशन, हाँ ये फाउंडेशन है हम लोगों का। और इसको डैप डैप करके इस तरीके से लगा लूं? तो अपने हाथ से भी आप लोग कर सकते हो, बट मम्मा भी कर रही हैं ब्यूटी ब्लेंडर से, है ना मम्मा? तो मम्मा यूज़ कर रही हैं डबल कोट, जिससे मम्मा के फेस में व्हाइटनिंग आए, क्योंकि मम्मा को लगना है एकदम सेम लुक एज आलिया भट्ट। तो मम्मा यूज़ कर रही है कॉम्पैक्ट पाउडर ऑफ लैक्मे, आप कोई भी कंपनी का यूज़ कर सकते हो जो भी आपके पास अवेलेबल हो, और ज़रूरी नहीं है कॉम्पैक्ट पाउडर, आप अपने का घर पे जो पॉन्ड्स वगैरह का पाउडर रखा रहता है ना वो भी यूज़ कर सकते हो, है ना मम्मा? तो अभी मम्मा यूज़ करने जा रही है आई शेडो इन हर आईज, और हल्का सा एकदम पिंकिश कलर करना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना है। तो अभी मम्मा यूज़ करने जा रही है लाइनर, तो एकदम सेम रिक्रिएट करने जा रही हैं। तो अगर आपको चाहिए और भी रिक्रिएटिंग मेकअप लुक, तो आप हमने ज़रूर कमेंट करके बताना, या तो इस वीडियो को लाइक कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। तो नीचे नीचे डार्क था, है ना मम्मा, और ऊपर ऊपर थोड़ा सा लाइट। तो अभी मम्मा ने लगा लिया है, अब इसको अंदर फिल करना है। तो अभी आ चुकी है गज़ल भी, अभी बिल्कुल कोचिंग से आई है। तो मम्मा जी ने अभी नीचे नीचे लगा लिया है। तो अभी मम्मा ने यूज़ कर लिया है मस्कारा, दिखाओ मम्मा। हाँ ये देखो, मस्कारा और काजल भी अप्लाई हो चुका है, तो आईज़ का पूरा हो चुका है। तो अब मम्मा जी रिक्रिएट करने जा रही हैं अपनी आईब्रो आलिया भट्ट की तरह। तो अभी मम्मा जी की आईब्रोज एकदम सेट हो चुकी हैं, ये देखो देखो मम्मा इधर। तो अब बारी आई है लगाने की लिपस्टिक, तो अभी मम्मा क्या लगा रही हैं, सबसे पहले मम्मा आउटलाइन कर रही हैं। तो अभी हम लोग को करनी है प्योर रेड लिपस्टिक यूज़। तो देखो इतना लुक तो क्रिएट हो गया है। तो बिकॉज हम लोग के पास बड़ी बिंदी का पैकेट नहीं था, अगर लाते तो पूरा खरीदना पड़ता, इसलिए मम्मा ने यूज़ किया है सिंदूर बिंदी बनाने के लिए, ठीक है? तो ये देखो अभी मम्मा जी ने लगा ली है बिंदी, और कितनी भी ज़्यादा प्यारी लग रही है मम्मा। तो ये हाँ, तो ये देखो एकदम रियल लग रही है बिंदी। तो अभी मम्मा जी ने लगा ली अपनी नाक में बाली। तो चलो मम्मा सबसे पहले पूरा ज्वेलरी वगैरह पहन लेती हैं, फिर मम्मा मिलती है ना। तो अभी मम्मा यूज़ कर रही हैं ब्लश अपने चीक्स को रेड रेड बनाने के लिए, ठीक है? तो मम्मा यूज़ करने जा रही हैं क्या, शाइनर। हाँ शाइनर, अपने फेस में शाइन लाने के लिए गंगूबाई। तो अभी मम्मा क्या कर रही हैं, प्लस वाला निशान जैसे कि आलिया भट्ट ने बनाया था इधर साइड में, तो इसको यहाँ पॉइंट रख लेंगे। तो अब मम्मा ओढ़ेंगी चुन्नी, तो मम्मा चुन्नी ओढ़ लो। तो ये मेरा निशान बन चुका, जो जस्ट जैसे कि पूरा उसी की तरह बनाया मैंने। हाँ। और कैसा लुक लग रहा है, तो गंगूबाई में लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ, तो मुझे लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो ये देखो मम्मा जी ने अभी ओढ़ ली है चुन्नी, और यहाँ पे पिन लगा लेंगे, इधर साइड में पिन लगा लेंगे। तो अब चलो मम्मा जी पूरी रेडी हो गई हैं एकदम, तो अब चलो मम्मा की पिक्स। हाँ तो मम्मा की मैं लेने जा रही हूँ पिक्स, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो अभी जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैंने क्लिक कर ली थी कुछ मम्मा की क्यूट क्यूट सी गंगूबाई वाली पिक, और ये लिटरली लाइक हम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। फर्स्ट टाइम रिक्रिएट कर रहा था, बट आप लोग को पता नहीं था कि इतना अच्छा रिक्रिएट हो पाएगा। तो जैसे कि आप लोग ने देखा, हम लोग की मम्मा एकदम हो चुकी थी तैयार, और बीच में हम लोगों ने थोड़ा सा डाला था ट्रांजिशन, जो कि आप लोगों ने देखा था। तो कैसी लग रही है मम्मा, कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करना। कौन कौन बनना चाहता है ऐसे गंगूबाई की तरह, अगर बनना चाहते हो तो इंस्टा पर फॉलो कर लो, और हमें फोटो सेंड करना, है ना मम्मा? तो ये देखो एकदम पूरा रिक्रिएट लुक करा, फर्स्ट टाइम करा, लेकिन कितना अच्छा हुआ, है ना मम्मा? तो मिलते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।